गोरखपुर बस स्टेशन पर बुधवार को बस कंडक्टरों ने क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अपने कर्मचारी नेता संजय सिंह का संविदा समाप्त करने के विरोध में आंशिक रूप से कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान बस कंडक्टर बस स्टेशन पर एकत्र होकर अपने कर्मचारी नेता की बहाली और विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना दिए। इस संबंध में संविदा संघर्ष समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने बताया कि क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा हमारे एक कर्मचारी का संविदा समाप्त करने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है। यदि प्रबंधन ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार को बाध्य होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संविदा संघर्ष समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने कहा, संजय श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष संविदा संघर्ष समिति। आज किस लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज आंशिक कार्य बहिष्कार है, लेकिन हमारी मांगे जो प्रमुख रूप से एक छोटे से विवाद को एक हमारे क्षेत्रीय हमारे नेता हैं संजय सिंह जी, उनकी संविदा एक ऐसे अधिकारी से जब हमारे के तिवारी क्षेत्रीय सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक गोरखपुर का ट्रांसफर होता है और चोरी से एक इन्होंने संविदा समाप्त करके 4 दिन तक कागज छुपाए रखा, 4 दिन बाद ये कागज आज भेजते हैं, कल के डेट में कहते हैं कि अभी इनकी संविदा समाप्त हो गई। किसी भी प्रकरण का किसी भी कर्मचारी को नोटिस दिया जाता है, जवाब लिया जाता है, जवाब से असंतुष्ट हो तो ऐसा किया जाता है। महोदय, वर्दी 3 साल पहले दी गई थी और आज भी वर्दी के नाम पर, वर्दी 1 साल के लिए दी गई थी और 3 साल हो गए वर्दी के नाम पर कटौती हो रही है। मशीन खराब हुई थी, मशीन अगर ईटीएम की मशीन खराब होने के हमसे हमारे सभी कर्मचारियों से पैसा वसूल करके ईटीएम बनवाया गया। ऐसे में हम इन सभी बातों से लेके आहत हैं और हमने कार्य बहिष्कार, आंशिक कार्य बहिष्कार किया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो संपूर्ण कार्य बहिष्कार, पूरे क्षेत्र में कार्य बहिष्कार करने का संविदा के चालक परिचालक कार्य करेंगे।